कि अचानक से चार या पांच लड़कियां बिल्कुल एकदम से मेरे सामने आ गई एंड वो भी एक कॉपी लेके, और उन्होंने बोला प्लीज ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो बुरी खबर ये है गाइस, जो हमारा चैनल है वो डीमोनेटाइज हो चुका है, और डीमोनेटाइज होने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगे, 2 मिनट। हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज भैया जी कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए उठने में, क्योंकि कल रात में हम और छोटू आदा बहुत देर में सोए थे। कल मैंने ना रंग रंग में गंगा के 5 एपिसोड देख डाले, अब सिर्फ मेरे 4 एपिसोड देखने बचे हुए हैं। वो यार इतनी सीरीज एडिक्टिव है कि अगर मैंने 1 एपिसोड चला दिया ना, तो मतलब कि फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मैं उसके एपिसोड देख ही रहता हूँ। खैर, वो जो मेरा समय गया ना, वर्थ गया। तो यार नहाने के लिए नीचे आए थे, बट 1 घंटे से घर के सारे बाथरूम भरे चल रहे थे, और अब गीजर हमने चलाया है तो पानी गर्म होने में 10 मिनट तक लगेंगे। तब तक धूप खा रहे हैं भैया के साथ, नहीं धूप ग्रहण कर रहे हैं। और बताइए कहाँ चलेंगे, कुछ प्लान? आराम करेंगे। अरे आराम बहुत कर लिया, 2 दिन से आराम ही कर रहे हो, हम भी आराम कर रहे हैं, कल कहीं गए ही नहीं। और बिल्लू यहाँ पे किसी का रुमाल उठा लाए हैं, रुमाल खा रहे हैं, चबा रहे हैं। बिल्लू छोड़ दो रुमाल, ये तुम रुमाल का जूस निकाल रहा है। हम यहाँ नहा धो चुके हैं और छोटू आदा के साथ थोड़ा काम से जा रहे हैं कहीं। गुनगुन को भी लेके आना है क्या? लेकिन गुनगुन की छुट्टी तो 3 बजे होगी, अभी 1 बज रहा है। हाँ फिर दूसरी बार में ले आएंगे जाके, वही तो अब 2 घंटे हम लोग कहाँ घूमेंगे। ठीक है जा रहे हैं मम्मी, जय श्री राम। गुनगुन को वापस आके लेके आएंगे, ठीक है? ठीक है जी। तुम स्वेटर उल्टा कर पहनी हो, ये उल्टा कर स्वेटर पहनी हुई हो। हेलो, बैंक में कुछ काम था, हमारी बैंक ही बंद है। तो यार ये वाली बैंक ना बदल गई है, ये बैंक कहीं और हो गई है, बस बिल्डिंग के बगल में। तो यहाँ पे ना बैंक में कुछ काम था, बट हमारी बैंक जो है बदल गई है, अब अपनी बैंक ना दूसरी जगह हो गई, तो वहाँ चल रहा है। भैया बहुत भीड़ है बैंक में, जो काम कराने आए थे वो यहाँ हुआ ही नहीं। और मतलब कि ये जो ब्रांच शिफ्ट करी गई है ना, वो करी गई है हरदोई की सबसे व्यस्त रोड पे, जिसपे सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। मतलब क्या ही बताएं, हरदोई की जो मेन मार्केट है ना, एक तो वैसे भी इतनी पतली सी रोड है, और तो उस पर इतनी सारी गाड़ियां हैं कि हम क्या ही बताएं, बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है हरदोई में यार। तो यार बैंक वाला काम तो अपना नहीं हो पाया, इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं कंपनी गार्डन, थोड़ी देर गार्डन में बैठेंगे, बिकॉज बस 1 घंटा बचा है गुनगुन की छुट्टी में। तो अब यहाँ से घर जाने में 15 मिनट लगेंगे, और 15 मिनट में मतलब कि घर से निकलेंगे गुनगुन के स्कूल तक पहुँचने के लिए, इससे अच्छा है आधा घंटा यहीं रुकेंगे और सीधे निकल जाएंगे, गुनगुन को लेंगे और फिर घर चलेंगे। आज कंपनी गार्डन में हम लोग थोड़ा बहुत टहल रहे हैं, ताज़ी हवा का आनंद ले रहे हैं। दादा कितने सालों बाद आ जाए हो कंपनी गार्डन टहलने? दो तीन साल। मतलब अब तो दादा ने आना ही कम कर दिया, अब तो भैया बड़े लोग वकील हैं दादाजी हमारे, कोई भी केस लड़ना हो संपर्क करें दादा से हमारे। यार कंपनी गार्डन में ना बहुत कुछ बदल गया है, कंपनी गार्डन में डस्टबिन लगा दिए गए हैं, एंड ये जो आपको बेंच दिख रही हैं, नई नई बेंचें लगा दी गई हैं, तो बड़ा ही अच्छा काम हो रहा है यार हरदोई में धीरे धीरे। बेंचें डस्टबिन तो लगे ही लगे, पर साथ में यहाँ बच्चों के लिए नए झूले भी लग गए हैं, ये देख के और मेरा मन खुश हुआ यार। चलो कंपनी गार्डन में थोड़ी देर टहले, उसके बाद 3:10 पे अब गुनगुन के स्कूल पहुँच चुके हैं, बस छुट्टी होने वाली है यार। गुनगुन को हम स्कूल से ले आए, और फिलहाल तो अभी यहाँ पे मोमोज खाने के लिए आए हुए हैं, गुनगुन को खिलाएंगे। और अभी हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा फैन मूवमेंट हुआ है, जो कि हम आपको घर चल के बताएंगे। एंजॉय करो गुनगुन, तुम्हारा बहुत ही मोमोज खाने का मन था, खाओ और मोमोज खाने हैं, जो जो खाना हो आज खा लो, आज तुम्हारे दोनों भैया हैं यहाँ पे, आज का राजा तू है, तुझे जो खाना तू खा सकती है। मोमोज के साथ साथ बहन जी ने फ्रेंच फ्राइज भी खाई है प्लेट भर के, अब तो मतलब इन्होंने खाली कर दी है सारी। फ्रेंच फ्राइज खाने के बाद हम लोगों ने समोसे ले लिए थे, एंड समोसे खाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली ये हमारे इधर ही एक किसान का बीज भंडार है, तो काफी जगह यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे हम लोग अब समोसे एंजॉय करेंगे। फाइनली गाइस रीच्ड होम, वो भी 4:14 पे, 12 बजे निकले थे घर से, मतलब आज खलिया में बहुत घूमा हम लोगों ने। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं, अब हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि गुनगुन भाइयों को लेने के लिए हम गुनगुन के स्कूल गए थे, एंड स्कूल के बाहर हम खड़े थे इंतजार कर रहे थे मास्क लगाए हुए, कि अचानक से 4 या 5 लड़कियां बिल्कुल एकदम से मेरे सामने आ गई, एंड वो भी एक कॉपी लेके, और उन्होंने बोला प्लीज ऑटोग्राफ दे दीजिए। मतलब उस समय ना मेरा दिमाग एकदम चलना बंद हो गया, एक तो वेणी माधव स्कूल की छुट्टी हुई, इतनी सारी लड़कियां सब जा रही, और वहां पे पूरी भीड़ लगने लगी, हर कोई मेरे को ही देख रहा, मतलब समझ लो 200 से 300 लड़कियां जो थी सिर्फ मेरे को ही देख रही थी, और मेरे को इतना ज़्यादा उसमें अजीब फील हो रहा था
लेकिन नहीं भाई, अपन रहते हैं सख्ती से। हमने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया, उसके बाद हमने अपना नाम लिख दिया, तनिष्क मिश्रा ऑटोग्राफ दे दिया, बस यार। पर तब भी सब्सक्राइबर मेरे को काफी मिले हैं, अब तो मेरे को आदत हो गई है, कोई सब्सक्राइबर मिलता है तो अच्छे से मिल लेते हैं। लेकिन वहां पे क्योंकि गुनगुन के स्कूल की छुट्टी, सब लड़कियां ही लड़कियां, सब मेरे को देखने लगा, ये कौन आ गया, कोई सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी है, तो भैया उसमें मेरी बिल्कुल लंका ही लग गई थी समझ लो। बहुत अच्छा लगता है गाइस जब हमारे सब्सक्राइबर, हमारी फैमिली हमें ऐसे मिलती है, दिल से अच्छा लगता है गाइस, दिल से। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहा है, बिकॉज आप हमें इतना ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, बस ऐसे ही तुम लोग तबाही मचाते रहो और हम तो तबाही मचाएंगे ही। और आज बिल्लू को जो थे सबसे ऊपर टहलाने लाए थे और इन्होंने ऊपर छत पे पट्टी कर दी, अब उसे साफ करना होगा, बाद में साफ करेंगे। अब बस वही, अभी ना सनसेट बस होने वाला है, यहाँ पे ना सनसेट बहुत ही खूबसूरत होता है यार। चलो अच्छा, हम लोग उतर रहे हैं, देखते हैं ये उतर पाएगा, खुद अपने आप नहीं उतर पाएगा। उतरो बिल्लू, बिल्लू कम, बिल्लू कम, बिल्लू सूंघ रहा है, उसे लग रहा है ये बड़ी डेंजरस जगह है। एक काम करो, उतर जाओ, फिर देखते उतरेगा नहीं उतरेगा, जल्दी उतरो, जल्दी उतरो। आ रहा नहीं आ रहा, ये तो हम लोगों को ही देख रहा है। आओगे नहीं आओगे, आ जाओ बिल्लू कम, नहीं आएगा। गुनगुन जो है बिल्लू को पकड़ के ला रही है, आ जाओ बिल्लू, ये लग कैसे जा रहा है। सो फाइनली अपना व्लॉग अपलोड हो चुका है 7 बजे, और आज पता है आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस वहाँ पे मोमोज खाए थे और समोसे खाए थे, उसके बाद मैंने खाना ही नहीं खाया, तो अभी मेरी बहुत डांट पिटी थी आज। तो अभी हमारे यहाँ गर्मा गर्म आलू के पराठे बनेंगे, वही खाएंगे। जैसे कि इस समय हमारे किचन में मस्त पराठे बनाए जा रहे हैं, पर हमारे किचन में ना गाइस लाइट कम है, ये एक ही लाइट है, तो यहाँ पे ग्रेन्स काफी ज्यादा आते हैं, ऐसे लप 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 होता है, तो यहाँ के लिए देखो खूब भयंकर सी लाइट लेके आएंगे, जो यहाँ पे ये ग्रेन्स ना आए यार। तो छोटू यादव गुनगुन पहले से यहाँ पे पराठे खा रहे हैं, हम भी पराठे आलू वाले पराठे, तो हम भी खाने जा रहे हैं। और आज पराठे के साथ वाली चटनी नहीं है, आज है ये मीठी वाली चटनी, आमचूर की चटनी। आज ना हमारे यहाँ टिक्की की बनने वाली थी, बट हम लोग इतना बाहर से मोमोज समोसे वोसे खा के आ गए, तो वो सारा प्लान कैंसिल हो गया। और ये जो आलू का भरता है ना, उसी के लिए बनाया गया था, तो वो टिक्की बनी नहीं, इसलिए हमने बोला आलू के पराठे बना लो, तभी ये आलू के पराठे भी बने हुए हैं। तो यार बस अभी खाना खा के मैं ऊपर आया, एंड मैं कुछ काम कर रहा था, एंड वो काम फेल हो गया, एंड उसके चक्कर में ना एक बहुत बुरी खबर है, ये 2021 की सच बता रहा, सबसे बुरी खबर है, मेरे लिए तो सबसे बड़ी है, एंड आप लोगों के लिए भी होगी। तो बुरी खबर ये है गाइस, जो हमारा चैनल है वो डीमोनेटाइज हो चुका है। मोनेटाइज का तो मतलब होता है कि मोनेटाइज हो गया, अब हम यूट्यूब के थ्रू अर्न कर सकते हैं, हमारी वीडियोस पे ऐड आने लगते हैं, एंड डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि हमारा जो चैनल है डीमोनेटाइज हो गया, मतलब उस पे ऐड नहीं आएंगे, अब हम यूट्यूब के थ्रू अर्न नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा चैनल डीमोनेटाइज क्यों हुआ। एक्चुअली एडसेंस पे ना एक वेरिफिकेशन करना होता, तो मैं वेरिफिकेशन कर रहा था एंड वो फेल हो गया, उसके चक्कर में हमारा चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया है। तो यानी कि अब बिल्कुल लंका ही लगने वाली है, लग चुकी है समझ लो, वैसे भी तुम लोग लग रहा है ये मेरे चेहरे पे मुस्कान है, पर ये मुस्कान थोड़ा नहीं है, बहुत बुरा लग रहा है गाइस, बहुत बुरा कसम से। मतलब यार मोनेटाइज करने में 9 महीने लग गए, 9 महीने तक नॉन स्टॉप डेली व्लॉगिंग करनी पड़ी, उसके बाद इतनी मेहनत के बाद कहीं मोनेटाइज हो पाया, और डीमोनेटाइज होने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगे, 2 मिनट के अंदर मेरे पास मेल आ गया, सॉरी योर चैनल हैज बीन डीमोनेटाइज ड्यू टू दिस रीजंस। एक्चुअली ये जो डीमोनेटाइज हुआ है ये सही अभी भी हो सकता था, बट अभी क्रिसमस चल रहा है ना, तो ऐसा है क्रिसमस की वजह से हॉलीडे चल रही है, 17 तारीख से हॉलीडेज हो गई हैं 5 जनवरी तक की, जितने भी गूगल के एम्प्लॉयज हैं, तो इस वजह से ये काम नहीं हो पाएगा, तो 5 जनवरी के बाद ही ये काम हो पाएगा। ये जो मेरे साथ हुआ है ना गाइस, ये जितने भी यूट्यूब के क्रिएटर हैं उनमें से 90% लोग के साथ ये होता ही होता है, वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाता है, डीमोनेटाइज हो जाता है कुछ देर के लिए, होता मेरा भी कुछ देर के लिए, बट बात वही अभी छुट्टियां चल रही हैं, सही हो जाता तुरंत, पर अब मेरे को टाइम लगेगा, हमने गलत समय में यार वेरिफिकेशन करने लगे, थोड़ा रुक जाते अब तो हम सोच रहे हैं। खैर यार इस समय अब काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, पर अपने आप को बिल्कुल शांत करे हुए बैठे हैं, इंतजार करते हैं 5 जनवरी का, देखो अगर हो गया सही तो सही है, वरना व्लॉग तो हमारे आते रहेंगे आपके लिए, तड़कते उड़कते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इस व्लॉग को समाप्त करते हैं क्या करें, अब व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा यार मेरा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, और जो भी काम करें आराम से करें, पूरा ध्यान लगा के करें, ठीक है, गुड नाइट। और गुनगुन हमसे एक चीज बोलने, तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर मेरे स्कूल में हैं पर हमसे कोई मिलने ही नहीं आता, ऐसा क्यों बताओ? हमें क्या बताना, क्योंकि जलवा है हमारा यहाँ, सब हमसे मिलने आएंगे, छोटे मोटे एक्टरों से कोई नहीं मिलता, मेन हीरो से मिलते हैं सब।
Yeah.